लगता है कि अगर हौसला बुलंद हो तो आंधी में भी चिराग जल सकता है, क्योंकि मैंने देखा है समस्तीपुर जिला को, आप सब यहीं के हैं, हम भी यहीं का हूँ, तो आप अगल बगल के जिले को देखते हैं, दरभंगा जिला में जाते हैं हम लोग, मुजफ्फरपुर जिला में जाते हैं, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, बीएड कॉलेज है, डेंटल कॉलेज है, सब जिला में एक दर्जन से अधिक 500-2500 शिक्षण संस्थान है, मुजफ्फरपुर जिला में भी, दरभंगा जिला में, बट आज़ादी के 64 साल गुजरने को है और आज तक समस्तीपुर में ITI भी आपको खोजने से नहीं मिलेगा। ये बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत दुखद बात है। इसीलिए मैंने कहा कि साइंस कोचिंग जो ये लोग गुरुकुल वाले चला रहे हैं, इन लोगों ने अंधेरे में चिराग जलाने का काम किया है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जो क्षमता, जो टैलेंट, जो यहाँ से रिजल्ट आता है, ये बड़े बड़े कोचिंग पटने में, बड़े बड़े कोचिंग हैं पटने में, लोग इसका 4 गुना पैसा देते हैं, हॉस्टल में रहना, लोग कोडिंग लॉजिंग के साथ 4 गुना पैसा खर्च होता है, लेकिन वो रिजल्ट नहीं देते हैं जो गुरुकुल के लोगों ने दिया है। मुझे विश्वास है कि जिस तरह गुरुकुल साइंस कोचिंग बहुत जिम्मेदारी के साथ अपने जिम्मेदारी का निर्वहन किया है, उसी तरह बैंक कोचिंग में भी ये 100% रिजल्ट। मैच में पढ़ाई किया था और मेरे को यहाँ करके बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि हम, मैं जिस जगह पे रहके वो भी एक मिनिस्ट्री है, लेकिन इधर आने के बाद में जो खुशी, जो अपने अपनापन पाया है वो वहाँ पे नहीं था। यहाँ पे सब अपने जिन कोई प्रॉब्लम हो हम जाकर के सेल कर सकते हैं, लेकिन उधर हमको अगर अपने हेड से मिलना तो हमको हर एक प्रकार के लोगों से गुजर के जाना पड़ता है, उधर भी पहुँचने तक के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं अपने आप में बहुत खुश नसीब